हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो आज हम आ गए लेकर आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो, जो कि अभी शादी सीजन चल रहा है तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे शादी का कलेक्शन ही शेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं चौकर स्पेशल कलेक्शन, जो कि मेरा कलेक्शन है, जो कि हम हर एक वीडियो में पहनते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछते भी कि मैम कहाँ से लिए हैं। सो आज हम वही सारे डिस्कशन आप लोग के साथ करने वाले हैं कि मैं कहाँ कहाँ से कौन से कलेक्शन ली हूँ, और आप लोग के साथ जो भी मेरा पर्सनल कलेक्शन है चौकर का वो शेयर करने वाली हूँ। का फोटो मेंशन साथ साथ कर देंगे कि किसके साथ पहनने के बाद कैसा लुक क्रिएट होता है, आज वही हम वीडियो में बताएंगे। और एक चौकर के साथ कैसे कैसे लुक अलग अलग साड़ी पे क्रिएट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये सारे चौकर को हम निकाल कर इस तरीके से कुछ रख लिए हैं ताकि आप लोगों को बताने में इजीली हो और दिखाने में कि एक एक करके। और ये सारे मेरे कलेक्शन है, एक दो साल का ये कलेक्शन है जो कि हम यूज़ किए हैं और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ कलेक्शन वीडियो। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये पहला कलेक्शन जो है वो मेरा मोती से में बना हुआ कुछ कुंडन डिज़ाइन में है और इसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो ये बता देते कि इसके साथ मेरे को ईयरिंग्स भी रिसीव हुआ था, एंड ये है मीशो का, सो कि मोती लगा हुआ। इस पर हम गाउन पहने थे, गाउन पे इतना ज़्यादा खूबसूरत और हैवी लुक दे रहा था गाइस। इसके साथ हम पिक्चर जरूर शेयर करेंगे। और इस तरह का आप कुंडन पे चौकर पे आप साड़ी वगैरह भी पहन सकते हो। रेड साड़ी पे ये गोल्डन का कॉम्बिनेशन जाएगा, वाइट पे जाएगा, क्रीमी पे जाएगा, एंड हल्का हल्का जितने भी लाइट कलर हो उस पर इस तरह का आपका चौकर जा सकता है। तो ये पहला है, एंड ये है रेड कलर का, ये वाली चौकर का काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया था एंड पूछा था कि कहाँ से लिए मैम, जो कि कुछ इस तरीके से है मोती डिज़ाइन में, एंड बिल्कुल इस तरह से चौकर बना हुआ है। ये बिल्कुल कंठ में जो बोल सकते गर्दन के नेक पे जाता है, कुछ इस तरीके से गाइस, काफ़ी खूबसूरत है। और ये वाली चौकर के साथ ईयरिंग्स, मांग टीका सारे सेट हैं, ये भी मीशो से है। सो इसका हम लिंक दे देंगे, कोड दे देंगे। सो इसमें टीका एंड इसके साथ ईयरिंग्स दोनों तीनों चीज़ है उस दोनों। और ये वाली आप रेड कलर का चौकर लोगे ना तो दो तीन साड़ी पे तो ग्रीन पे भी चल जाएगा, रेड पे भी चल जाएगा, येल्लो पे भी चल जाएगा। तो इसका खासियत ये है गाइस कि इस तरह का आप चौकर रेड कलर का विजिट करो तो ये सब पे चल सकता है। और ये वाली जो चौकर है ना, ये वाली काफ़ी खूबसूरत है। यही चौकर से मैं ये वाली चौकर से हम अपना क्या होता है उस टाइम से मेरे को क्रेज़ किसी चीज़ का होता है ना कि क्रेज़ हो जाता है चौकर पहनने का। तो ये मैं मतलब दिल्ली में शिफ्ट हुई थी, मतलब गरीब परवेश में ये चौकर पहनी थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार किया दिया। मरून कलर का कह सकते हैं इसका साड़ी का कलर था, मरून पर ये चौकर पहने थे, काफ़ी खूबसूरत लगा था। उस टाइम से मेरे को इतना ज़्यादा चौकर पहनने का क्रेज़ हो गया, मैं सारे गोल्डन ज्वेलरी भूल गई उसके चौकर के सामने, कि उसी टाइम से मेरे को आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छा लगने लगा क्योंकि उसमें एक अलग ही लुक लगता है कि आपका प्रोफेशनल लुक दिख रहा है। तो सारे गोल्डन भूल जाओगे आप, एक बार चौकर पहन के ट्राई करना, काफ़ी खूबसूरत लगता है ब्राइडल की तरह। सो ये है मेरा चौकर जो कि हम गरीब परवेश में पहने थे और इसका फ़ोटो काफ़ी अच्छा है, सो हम आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और ये है रेड कलर की, और ये वाली ईयरिंग्स के साथ आप लोग के साथ हम फोटो मतलब वीडियो शेयर किए हैं। ये मोती में कुछ बिल्कुल पूरे मोती का बना हुआ है, चौला जो मोती होता है ना बिल्कुल मोती में, और ये चौकर ही है देख सकते हैं एंड मोती में है। और इसके साथ हम वीडियो शेयर किए, आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और पूछ भी रहे थे कि कहाँ से लिए। तो ये बता दें कि हम ये कुछ ऑनलाइन शायद याद तो नहीं आ रहा है, बट इसका अगर कोशिश करेंगे लिंक होगा तो ज़रूर देंगे, क्योंकि ये हम नई दुल्हन शादी में किस तरह से तैयार हों उसमें ये वाली चौकर पहने थे और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा, पसंद किया। और ये वाली जो चौकर है ना सिल्वर वाली, कुछ ब्लैक रिबन में है, वो मीशो से मंगाए थे, इसका लिंक भी है एंड इसको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और ये काफ़ी शानदार लगता है। ये साड़ी पे एक स्लेटी कलर के साड़ी पे पहने थे, बहुत खूबसूरत लगा था। सो इसको आप सूट पे भी पहन सकते हैं,
देन गाउन पे भी पहन सकते हैं, इसके साथ ईयरिंग्स है, चौकर है एंड अंगूठी है। सो ये इस टाइप से है, ये कुछ आपको एक पार्टी वियर स्टैंडर्ड लुक आप अगर चाहो, जैसे होता है ना कि प्रोफेशनल लुक क्रिएट इस पर कर सकते हो इस तरह के चौकर पे। एंड इसके साथ हम ब्राइडल लुक क्रिएट किए थे काफ़ी जल्दी ही, एक सप्ताह दो सप्ताह पहले लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। एंड इस तरह के आपको ब्राइडल लुक क्रिएट करना है जैसे शादी वगैरह के लिए, तो आप इस तरह का चौकर विजिट करना, देख सकते हो ये मल्टी ग्रेंड में है, जैसे इसमें गोल्डन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, एंड थोड़ा सा आपको रजवाड़ी टाइप से डिज़ाइन भी लग रहा है राजस्थानी में, एंड काफ़ी हैवी जैसा फील हो रहा है। ये वाली चौकर हम अट्टा मार्केट से लिए थे, इसका प्राइस भी उस समय 300 में दिया था, इसका पूरा सेट है। सो इस तरह से आप विजिट कर सकते हो। एंड ये है कुछ कांटे कांटे डिज़ाइन, कातिल नज़ारा, कातिल डिज़ाइन, वो ये डिज़ाइन, ये वाली जो चौकर है गाइस, इसको आप सूट पे पहनना, जैसे हैवी वैवी सूट हो ना उस पे पहनना इस टाइप से, जैसे या स्कर्ट हो, क्रॉप टॉप हो, नीचे गाउन हो, उस पे इस टाइप से सिल्वर वाली चौकर, कातिलाना वाली चौकर काफ़ी अच्छा लगेगा। सो गाइस ये वाली चौकर है जो कि ब्राइडल के लिए है, मैं ज़्यादातर चौकर गाइस ब्राइडल के लिए रखती हूँ। तो ये पत्ती पत्ती वाली सा डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। तो आप जब भी पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो अगर ज्वेलरी शॉप में, तो इस टाइप से कुंदन कुंदन वाली कुछ डिज़ाइन है गाइस, देख सकते हो बिल्कुल प्यारा सा है। एंड इस टाइप से आप ज़रूर लेना, एक बार ट्राई करना, काफ़ी खूबसूरत लगेगा एंड काफ़ी हैवी लुक। ये वाली चौकर हम कब पहने थे, ये हम ले गए थे ससुराल में, और ससुराल में छठ वाली वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो छठ की सुबह जो मॉर्निंग वाली पारन वाली वीडियो थी उस पर हम ज्वेलरी की जगह ये वाले प्रेफर किए थे, ये वाली चौकर। बहुत वहाँ मतलब घर वाले बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाभी आपको चौकर पहनने मतलब ज्वेलरी पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप कितना हैवी लुक दे रहा है, तो उसमें ये वाली पहने थे और बहुत अच्छा लगा था। तो अब है मेरे पास कुछ इस तरह का जींस पे पहनने वाला चौकर, जिसको मटर माला भी कह सकते हैं, ये गोवा से लेकर आए थे गाइस। ये होता है ना कहीं भी आप जाओ घूमने उमने तो वहाँ से लगता है कि क्या क्या लेकर आ जाए, सो उस टाइम ये वाली चौकर मतलब ये वाली मटर माला मतलब मैं अपने पूरे फैमिली के लिए लेकर आई हूँ ना, ये मल्टी ग्रीन है, एवर ग्रीन जिसको बोल सकते हैं। तो ये सारे जींस टॉप पे, लॉन्ग स्कर्ट पे, गाउन पे यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। और गाइस ये वाली देख सकते हैं, ये येल्लो साड़ी पे कुछ अब जितने भी चौकर दिखाए वो सिर्फ गले में सटने वाला है, लेकिन ये मटर माला में लंबे में लेंथ में, तो दोनों तरह का लेके रखना चाहिए। कभी आप होता है ना कि कभी आप लंबे में पहन लो तो थोड़ा प्रोफेशनल, कभी चौकर पहन लो, मतलब सब तरह का रहना चाहिए। अगर आप मटेरियल रख रहे हो शादीशुदा हो और आपको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, पार्टी में जाना है, ऑफिस में जाना है, या शादी में जाना है, या घर में ही कुछ फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो आप ऐसा अपना सेट बना लो ना 4-5-10 पीस का, ताकि आपको ज्वेलरी ना भी रहे तो चले काम, ऐसा होता है, और उसमें आप अच्छे दिखोगे। तो उसके लिए इस टाइप से ले सकते हो। ये येल्लो साड़ी पर हम कुछ इस तरह के बड़ी लेंथ में पहने थे, काफ़ी खूबसूरत लगा था, तो कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड ये सब जो है ना वो गोल्डन में है, गोल्डन इसलिए हम रखते हैं ताकि जब भी लहंगे होंगे, जैसे कि अभी होता है ना कि नंद के लहंगे पहन लिए, या किसी का अगर सेट ना मिल रहा हो, तो उस टाइम ये वाली इस टाइप की सिल्वर में तो गोल्डन में चल जाता है काम। और ये वाली सेट कुछ इस तरह से है, जैसे पहले हंसली नहीं चलता था, हंसली डिज़ाइन मतलब आज से दादी के ज़माने के उस टाइम हंसली चलता था, उस टाइप से ये लगता है, बट ये पहनने के बाद काफ़ी प्यारा लगता है। ये हम रेड साड़ी पे पहने थे, ये गोल्डन कलर का है, बट ये रेड पे और गोल्डन पे काफ़ी अच्छा लगता है। सो देख सकते हैं ये कुछ हंसली डिज़ाइन में गाइस। और ये वाली जो रेड वाली बहुत पुरानी चौकर है मेरी, और ये हम रेड साड़ी पर पहने थे, इसको सूट पे, रेड सूट पे पहने थे, ये सूट पे भी चल गया, साड़ी पे भी चल गया, एक मेरी फ्रेंड लेकर पहनी थी ये वाली चौकर, और उसकी मतलब इतना ज़्यादा उसको पसंद आ गया कि उसके सब लोग पूछ रहे थे कहाँ से लाई हो।
और ये है अट्टा मार्केट से मेरा लिया हुआ है। सो अट्टा मार्केट आसपास नोएडा गाजियाबाद में रहते हो तो वहाँ से विजिट कर सकते हो। और ये वाली जो एवरग्रीन है ये सबके पास रहती हैं, मटर माला वाली चौकर, तो हम भी रखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ना मतलब कुछ पहनने का मन ना हो और थोड़ा सा कलरफुल दिखना हो तो उसमें इस टाइप से ग्रीन, रेड, येल्लो, एक बार एक बीच में बहुत चला था तो इसमें जब भी रेड कलर साड़ी पहने तो रेड, ग्रीन कलर ग्रीन, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 150 समथिंग में आता है। एंड ये साउथ इंडियन चौकर, जो कि आपको साउथ इंडियन या हैवी लुक क्रिएट करना है तो इस टाइप के भी चौकर गाइस आप विजिट करके एक रखना अपने पास। और इसका भी ऑनलाइन मिलता है, ये ऑनलाइन शायद हम फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, ये सब जगह आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक होगा तो मैं शायद आपको शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये दो साल पहले मंगाई थी मैं, कुछ शादी वगैरह था उसमें ये पहनने के लिए, क्योंकि ये इस टाइप के सेट में आप क्या है गाइस, आप बाहर तो कहीं मतलब रिलेशन में शादी है वहाँ तो आप ज्वेलरी वगैरह आजकल तो लेके जाते नहीं है लोग, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते ज्वेलरी ले जाने में, कहीं चोरी वोड़ी ये वो 10 तरह का हो जाता है। तो उस टाइम आप इस तरह का हैवी वाली ज्वेलरी मंगा लोगे तो एक होता ना हार वाला लुक के रेट देगा आपको, तो उसमें इस टाइप से एक विजिट कर सकते हो और ले सकते हो। ये फिलहाल मैं अभी शॉपिंग करके लाई हूँ, ये सबसे प्यारा कुंडन है जो कि मैं अभी पहनी भी नहीं हूँ, अनपैकिंग है। सो ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, कुछ गणपति बाबा का डिज़ाइन बनाया हुआ है एंड काफ़ी खूबसूरत लगा। इसका पूरा सेट है मेरे पास जो कि कुछ इस तरीके से, तो ये सिल्वर में है तो मैं सिल्वर में इसलिए ली हूँ क्योंकि ये ब्लैक साड़ी पर मेरे को पहनना था एंड इस पर ग्रे कलर, स्लेटी कलर, पिंक कलर, हल्का लाइट कलर सब कुछ जा सकता, ये सब जगह आपको मार्केट में मिलेगा। ये हम बाहर से लेकर आए थे, कहीं घूमने गए थे वहाँ से। एंड मेरे पास ये है प्यारा सा चौकर, और ये वाली चौकर लंबे में है, इसका भी अनपैकिंग है अभी खोले नहीं। इस टाइप से चौकर गाइस आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप से लुक क्रिएट, जैसे विंटर में स्टाइल, जैसे आप इनर वगैरह पहन रहे हो उस पर आपको मतलब एक अलग लुक क्रिएट करने के लिए इस टाइप के चौकर आप विजिट करना एक बार और ट्राई करना। जैसे जींस पहने हो उस पर और टॉप पहने हो उस पर साड़ी पहन के और उस पर ये लंबे वाले पहनना तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये अलग डिफरेंट के लिए हम ये लिए थे तो इस टाइप से हैं, तो ये भी बाहर से ही लेकर आए थे हम। ये वाली भी हम सेट रख लिए ताकि आप लोग के लिए सारा अपना चौकर कलेक्शन सेट दिखा रहे हैं तो ये भी दिखा दे, क्योंकि सेट हैं जो कि ऐसा होता है ना कि कहीं शादी वादी में जा रहे हैं वहाँ पे गोल्डन पहना है तो गोल्डन की जगह आप सिल्वर का लेके और उस पर गोल्डन का पॉलिश चढ़ा लो चांदी का, तो इस उस टाइम आपको ये ज़्यादा मतलब यूज़फुल होगा, जहाँ पे आप गोल्डन ले जाने के लिए कंफर्टेबल ना हो वहाँ पे इस टाइप से आप हार्ड डिज़ाइन में बनाकर, जो कि शादी के बाद पहनना मतलब एक होता है ना कंबल साड़ी है, उस टाइम ये इस टाइप से पहन सकते हो चांदी का लेके गोल्डन का पॉलिश लगा के। तो ये है सेट मेरा जो कि आज मेरा कलेक्शन था, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ सारे कलेक्शन ही शेयर करूं। सो और ये तो लास्ट कलेक्शन है जो कि ब्राइडल के लिए है, अभी लेटेस्ट में शादी सीजन में, तो आप ये वाली सेट ले ही लो, ये अट्टा से लिए थे 250 में। और ये वाली सेट में आपको हल्दी, मेहंदी, संगीत सब में चल जाएगा। तो ये मेरे शॉपिंग मतलब कलेक्शन से एक अलग है जो कि ब्राइडल के लिए है, और जिनका नया शादी होने वाला है वो इस तरह के कलेक्शन अपने पास रख लेंगे। तो शादी होने के बाद जैसे भाभी बन जाते हैं या नंद को या बहन को कोई भी शादी में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक चौकर मतलब सेट में ही आता है गाइस, आप एक बार ले लेना तो सारे शादी में आप कहीं भी जाके पहन सकते हैं। तो ये आज का मेरा कुछ कलेक्शन था जो कि बहुत सारे बातें की आप लोगों के साथ, तो आई होप आप लोग को ये वाली कलेक्शन वीडियो पसंद आई होगी मेरी, और मेरी कलेक्शन पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना एंड मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाना, उससे क्या होगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। एंड हाँ, और वीडियो में क्या देखना चाहते हैं कलेक्शन से रिलेटेड, मेरे कोई भी कलेक्शन से रिलेटेड और भी जो भी कंटेंट देखना चाहते हैं वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए एंड मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए, वीडियो यूज़फुल लगेगा। तो तब तक करते हैं इस वीडियो को क्लोज, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।
breathing.